अरे हिंदुस्तान का मतलब भी समझता है तू? हिंदुस्तान का मतलब है डाकू को वाल्मीकि बनाना। हिंदुस्तान का मतलब है क्षमा, दया। मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ। ऑल इन द फैमिली राम, मेरी जेल की दीवारें कमजोर है, ताले कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। शुरू करने जा रहे हैं खलनायक मूवी। 6 अगस्त 1993 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार, अनुपम खेर और राम्या कृष्णन जैसे कई बड़े सितारे नज़र आए थे। फिल्म का डायरेक्शन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने किया था। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी सुभाष घई ने ही किया था। सुभाष घई उस दौरान के फैक्टर को अपने लिए लकी मानते थे। यही वजह थी कि उस दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों के नाम कैसे ही शुरू होते थे। आपको बता दें कि खलनायक से पहले सुभाष घई ने काली चरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस साल ब्लॉकबस्टर हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इसे गाने को हटा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने पर से बैन हटाना पड़ा। यह गाना आज भी लोगों को फेवरेट है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इतना ही नहीं, यह साल 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। बता दें, पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आँखें थी, जिसमें रीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नज़र आए थे। आँखें बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अब खलनायक के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो खलनायक मूवी डूबे 4 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन रुपीज 12.50 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 21.50 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ब्लॉकबस्टर होने के साथ इस फिल्म को उस साल 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट ब्लैक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को दिया गया था। साल 1993 में बॉम्बे में हुए बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। बता दें, फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और संजय दत्त की गिरफ्तारी के चलते इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मेकर्स को फिल्म का प्रचार
भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा और फिल्म इतनी हिट हो गई। आपको बता दें, संजय दत्त की गिरफ्तारी से पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की डबिंग में कुछ काम बाकी रह गया था। संजय दत्त ने जेल से वापस आने के बाद सबसे पहले डबिंग का काम पूरा किया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि खलनायक फिल्म के आखिरी सीन में संजय दत्त को जेल हो जाती है। खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर खान को बल्लू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज़्यादा पसंद आया, जबकि सुभाष घई पहले से ही मन बना चुके थे कि वो बल्लू के किरदार में संजय दत्त को लेंगे। इसी वजह से आमिर ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म के शुरुआती दौर में बल्लू के किरदार के लिए अनिल कपूर के नाम भी चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में यह प्लान ड्रॉप कर दिया गया था। इनके बाद इस रोल के लिए नाना पाटेकर को तो फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन बनाया कि बल्लू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाना पाटेकर को निकालकर फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। नाना पाटेकर को फिल्म से निकालने की वजह एक वजह और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम था। ये सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता। उस दौरान नाना पाटेकर का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों के बीच लिया जाता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम नाना पाटेकर से काफ़ी कम था, इसीलिए उन्हें फिल्म से नाना पाटेकर का नाम हटाना पड़ा था। यह संजय दत्त और सुभाष घई की जोड़ी में बनी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ फिल्म विधाता भी बनाई थी, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार भी नज़र आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलनायक में जैकी श्रॉफ ने इंस्पेक्टर राम का किरदार निभाया था। बता दें, सुभाष घई के साथ ये जैकी श्रॉफ की चौथी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो, साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में भी काम किया था। ये सभी फिल्में सुभाष घई ने ही बनाई थी। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में माधुरी को दूसरी बार मौका दिया। इससे पहले माधुरी को सुभाष घई की फिल्म राम लखन में भी देखा जा चुका था। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के अपोजिट नज़र आई थी। खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। इसके बाद अमिताभ बच्चन वाला रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म खलनायक बना डाली। आपको बता दें, खलनायक फिल्म की काफ़ी स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई। सुभाष घई की ही फिल्म क्रोधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में इनके अलावा हेमा मालिनी, शशि कपूर और जीनत अमान भी नज़र आई थी। साल 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 नाम से भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में विनोद कुमार, सुकन्या और रघुमन रीड रोल में नज़र आए थे। साल 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई। इसीलिए संजय लीला भंसाली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजय दत्त की मूवी खलनायक मूवी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, का सीक्वल लंबे समय से बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म के सीक्वल के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। संजय दत्त बहुत जल्द अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। साथ ही खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय
दत्त और टाइगर श्रॉफ को लीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, काफ़ी समय से बॉलीवुड में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जब से फिल्म के सीक्वल की खबरें आई हैं तो फैंस इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही अपनी इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, संजू बाबा इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट करना चाहते हैं, इस बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त खलनायक में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। संजय दत्त की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म प्रस्थानम में संजय ने ही लीड रोल में प्ले किया था। इस शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। संजय दत्त की ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। प्रस्थानम के प्रमोशन के समय ही संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब खलनायक के सीक्वल पर भी काम करना शुरू करेंगे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म संजय सुभाष घई से फिल्म के राइट खरीदने की तैयारी में लगे हैं। बात करें तो संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की, जल्द ही संजय आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अर्जुन कपूर और कृति सेनन लीड रोल में नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल कब बनता है और कौन सा स्टार फिल्म में भी अभिनय करता है, और साथ ही दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना लाइफ, कभी आप कभी डाउन, ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड थी और एक एक के 56 राइफल। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पार्टी बांध लीजिए। आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी की शुरुआत उन्हीं से, जिन्होंने संजय को जन्म दिया। उनकी मां नरगिस, वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है। लेकिन ये पर्दे की बात की थी जाए तो 29 जुलाई 1969 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब मां नरगिस संजू को लेकर तैयार कर चूमती तो वो शर्मसार कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता, लेकिन बाद के दिनों में उसने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरगिस पॉइंट पर ड्राइव, कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास हर बार घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया, हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उसे बच्चे को दूध की बोतल दिलाई तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती तो वह रोने लगता, स्टूडियो में भी फिक्रमंद रहती कि वो ठीक तो होगा, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर या दोस्त आते जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपाकर पीता। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लाइसेंस भेज दिया गया।
संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था। वो स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता है। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्मेंस करने बांग्लादेश जाने वाले थे तो संजय भी जाने की जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहाँ वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस संजय ने कहा मैं बांगो बजाऊंगा, को भी ले जाऊंगा। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी। गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बांगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नज़रअंदाज करके गाती रही। 1977 में संजय लाइसेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय की का दाखिला मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय दत्त ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। रॉकी की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा संजय कहाँ है। अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जीरो पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर में भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारियां कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि रॉकी ने के प्रीमियम से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी, किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ की मौत के बाद वे बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि राखी की प्रीमियम के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही। किसी ने आकर दत्त साहब ये सीट खाली है, इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी पत्नी की सीट है। राखी रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय दत्त ने अपनी कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया, जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की हो सकती है। मैं 10 में से एक था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि ड्रग एक्टिव को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला आप 2 दिन पहले बात सोचकर उठे हो, आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं। मैंने शीशा दे तो चेहरे पर सूजन भी बिखेरे बाल हुए थे, मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा। मैंने डैड के पास गया और बोला मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए
सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। यही वक्त था जब टीना से उनके रिश्ते टूट गए। अमेरिका में ड्रग्स रिहैब में संजय एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले कर दिया, जो प्यारे बेटे संजू के नाम था। मैसेज था, किसी की बात से ज़्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। ये बातें हैं माम की, ये आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया। माम के मरने के बाद दो साल बाद ये सुनकर मैं 4-5 घंटे रोया। जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। संजय दत्त ने भारत लौटते ही खुद को दोहराए पर पाया। 9 महीने बाद भारत लौटा तो मेरे घर पहुंचने के बाद जो पहला शख्स मुझसे मिलने आया था वो एक ड्रग पैडल। मेरे पास दो रास्ते थे, पहला मैं ड्रग्स लेता, दूसरा मैं इनकार कर देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इलाज के लिए 9 महीने अमेरिका में रहे। संजय ने तय कर लिया कि वे फिल्मी इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस करेंगे। लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने जान की बाजी फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। फिल्म 1985 में रिलीज हुई। संजय दत्त अमेरिका जाना टल गया। संजय दत्त की ज़िंदगी में एक सुनहरा मोड़ 1986 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म नाम के साथ आया। फिल्म में गाना के बोल भी कुछ ऐसे थे जैसे कि अमेरिका जाने से रोकने वाले के लिए लिखे गए हों। तू कल चला जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कई मोहब्बतों के बाद संजय दत्त का दिल रचा शर्मा पर जा टिका। वो देवानंद की खोज थी। वे मिलने लगे और एक दूजे के करीब आ गए। 1987 में उन्होंने शादी की और अगले ही साल एक बेटी हुई त्रिशला। लेकिन अचानक ऋचा के सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए ऋचा और त्रिशला अमेरिका शिफ्ट हो गई। नाम की कामयाबी के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म साजन ने धूम मचा दी। इस बीच संजय दत्त और ऋचा के बीच दूरियां बढ़ गई। माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। तब की कहानी संजय दत्त के परिवार कई पुराने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट पर आधारित थी। लेकिन संजय दत्त से जुड़े सबसे अहम और स्याह पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। 1983 में संजय अतीश की शूटिंग के लिए मॉरीशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जांच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनीफ कंडवाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई लौटे तो उन्होंने आतंकवाद निरोधक कानून टांडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं, संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और अनीस से हुई थी। संजय ने अबू सलेम, हनीफ और समीर से 3 AK-47 ली थी, लेकिन 2 AK-47-56 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त को ये यकीन नहीं हो रहा था कि संजय ऐसा कैसे कर सकते हैं। तहलका मैगनीज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेटे से पूछा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, शहर में जो हो रहा था मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुद्दे की सुनवाई के दौरान संजय दत्त अपने बयान से पलट गए। संजय के हथियार रखने की वजह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे भी थे। ऐसा दावा करने वालों में से हुसैन जैदी भी हैं। माई नेम इज अबू सलेम किताब में जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए। सुनील दत्त ने घायलों के धर्म की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। संजय भी बढ़ चढ़ कर आए। कुछ लोगों की बात की जाए तो कुछ उग्रपंथी संगठनों ने संजय दत्त परिवार को गोलियां और धमकियां देनी शुरू की। कुछ जगह सुनील दत्त पर हमले भी हुए। संजय दत्त इन फ़ोन कॉल्स के परेशान
आ चुके थे। फिल्मी हीरो को लगा कि असल लाइफ में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन वो बेल पर बाहर आए। फिल्मी अफवाहों वाली पत्रिकाओं में जहां अभी माधुरी दीक्षित के रिश्ते बनने की खबर छपी थी, अब उनमें दोनों के रिश्ते टूटने छपने लगे। संजय दत्त के जेल जाने का जिस एक आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो थे सुभाष घई। खलनायक 1993 की बड़ी हिट फिल्म थी। यही वो साल था जब संजय दत्त की मुलाकात मॉडल रिया पिल्लई से हुई। एक साल बाद तक जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। इस बार सीधा अंडा सेल, वो जगह जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। आज से कुछ साल पहले संजय की अपनी बहन प्रिया दत्त से अनबन की खबरें थी, लेकिन जेल के दिनों में दत्त भाई बहनों के बीच का किस्सा फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है से दुनिया ने जाना। प्रिया दत्त ने इसी शो में बताया, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। ये कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने 1998 में कहा था संजय दत्त वो कूपन मेरे पास अब भी हैं। सिमी ग्रेवाल के शो रणदेव देवभूमि में संजय ने जेल के दिनों का एक किस्सा सुनाया था। संजय ने कहा कि जेल में डैड मिलने आए तो कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चला गया। एक दिन डैड जब आए और बोले कहा हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा डैड कब हो जाएगा। ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा मुझे माफ़ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यासीर उस्मान किताब में लिखते हैं कि जब सुनील दत्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए और ठाकरे ने खुलकर संजय का बचाव किया और कहा कि संजय दत्त परिवार कोई भी सदस्य देश विरोधी नहीं है। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। ये इन्हीं ठाकरे की शिवसेना थी जो एक वक्त में संजय दत्त की फिल्मों को जमकर विरोध कर रही थी। जेल जाने के 15 दिन बाद संजय दत्त को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए सफ़ेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 महीने बाद सितंबर 1996 में रचा शर्मा ने आखिरी सांस ली। रिया पिल्लई से उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। रिया ने 1998 में संजय से शादी कर ली। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव हिट रही और उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साल 2000 में ऐसे ऑडियो सामने आए जिनमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए सुनाई देते हैं। ये ऑडियो इंटरनेट पर आज भी मिल जाएगी। यासीर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि सीबीआई इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही है। 2002 में इन्हें सबूत की तरह पेश किया गया है। मुंबई में 58 पाली हिल के जिस बंगले में नरगिस ने एक घर बसाया था, उस घर का हर सदस्य अब अलग अलग रहने लगा है। साल 2003 में संजय दत्त को एक ऐसी फिल्म मिली जिनसे उनकी छवि पर शानदार रोगन का काम किया। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 साल बाद 2005 में सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली। एक बाप और पति जिसने अपनी सांसों का बड़ा हिस्सा दर्द का रिश्ता निभाने से बनी फिल्म में रणबीर कपूर संजय का किरदार निभा रहे हैं। ये वही रणबीर हैं जिनके पिता को एक जमाने में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ पीटने चले गए थे। वजह की संजय दत्त की टीना से मोहब्बत ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं। एक दिन संजू और गुलशन ग्रोवर नीतू के अपार्टमेंट में गए। उन्हें शक था कि मेरे और टीना के बीच कुछ है। जैकी श्रॉफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जय किशन कटू भाई श्रॉफ है। इनके पिता का नाम कटू भाई व माता का नाम रीटा श्रॉफ है। वे मुंबई के बालेश्वर इलाके में 3 बत्ती की एक चाल में रहा करते थे। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कुछ विज्ञापनों में
एक मॉडल के रूप में काम किया। इन्हें सबसे पहले देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इनको अपनी फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान की। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफल हुई और रातों रात एक बड़े सितारे बन गए। 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से विवाह कर लिया। आयशा जो बाद में फिल्म निर्मात्री भी बनी। ये दोनों जैकी श्रॉफ इंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं। इनकी सोनी टीवी में 10% शेयर थे, जिन्हें उन्होंने सन 1912 में बेच दिया। इनके दो बच्चे हैं, पुत्र का नाम टाइगर श्रॉफ तथा पुत्री का नाम कृष्णा है। अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो 1990 विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया था। 1994 नामांकित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार गर्दिश किया गया था। 1994 में नामांकित फिल्मफेयर सह अभिनेता पुरस्कार खलनायक के लिए दिया गया था। सन 1995 में विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार 1942 लव स्टोरी के लिए दिया गया था। माधुरी दीक्षित, राखी गुलजार, अनुपम खेर और राम्या कृष्णन जैसे कई बड़े सितारे नज़र आए थे। फिल्म का डायरेक्शन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने किया था। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी सुभाष घई ने ही किया था। सुभाष घई उस दौरान के फैक्टर को अपने लिए लकी मानते थे। यही वजह थी कि उस दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों के नाम कैसे ही शुरू होते थे। आपको बता दें कि खलनायक से पहले सुभाष घई ने काली चरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस साल ब्लॉकबस्टर हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इसे गाने को हटा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने पर से बैन हटाना पड़ा। यह गाना आज भी लोगों को फेवरेट है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इतना ही नहीं, यह साल 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। बता दें, पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आँखें थी, जिसमें रीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नज़र आए थे। आँखें बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अब खलनायक के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो खलनायक मूवी डूबे 4 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन रुपीज 12.50 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 21.50 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ब्लॉकबस्टर होने के साथ इस फिल्म को उस साल 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट ब्लैक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को दिया गया था। साल 1993 में बॉम्बे में हुए बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। बता दें, फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और संजय दत्त की गिरफ्तारी के चलते इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मेकर्स को फिल्म का प्रचार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा और फिल्म इतनी हिट हो गई। आपको बता दें, संजय दत्त की गिरफ्तारी से पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो
हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की डबिंग में कुछ काम बाकी रह गया था। संजय दत्त ने जेल से वापस आने के बाद सबसे पहले डबिंग का काम पूरा किया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि खलनायक फिल्म के आखिरी सीन में संजय दत्त को जेल हो जाती है। खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर खान को बल्लू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज़्यादा पसंद आया, जबकि सुभाष घई पहले से ही मन बना चुके थे कि वो बल्लू के किरदार में संजय दत्त को लेंगे। इसी वजह से आमिर ने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म के शुरुआती दौर में बल्लू के किरदार के लिए अनिल कपूर के नाम भी चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में ये प्लान ड्राप कर दिया गया था। इनके बाद इस रोल के लिए नाना पाटेकर को तो फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन मनाया कि बल्लू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाना पाटेकर को निकालकर फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। नाना पाटेकर को फिल्म से निकालने की वजह एक वजह और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम था। यह सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता। उस दौरान नाना पाटेकर का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों के बीच लिया जाता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम नाना पाटेकर से काफ़ी कम था, इसीलिए उन्हें फिल्म से नाना पाटेकर का नाम हटाना पड़ा था। यह संजय दत्त और सुभाष घई की जोड़ी में बनी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ फिल्म विधाता भी बनाई थी, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार भी नज़र आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलनायक में जैकी श्रॉफ ने इंस्पेक्टर राम का किरदार निभाया था। बता दें, सुभाष घई के साथ ये जैकी श्रॉफ की चौथी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो, साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में भी काम किया था। ये सभी फिल्में सुभाष घई ने ही बनाई थी। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में माधुरी को दूसरी बार मौका दिया। इससे पहले माधुरी को सुभाष घई की फिल्म राम लखन में भी देखा जा चुका था। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के अपोजिट नज़र आई थी। खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। इसके बाद अमिताभ बच्चन वाला रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म खलनायक बना डाली। आपको बता दें, खलनायक फिल्म की काफ़ी स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई। सुभाष घई की ही फिल्म क्रोधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में इनके अलावा हेमा मालिनी, शशि कपूर और जीनत अमान भी नज़र आई थी। साल 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 नाम से भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में विनोद कुमार, सुकन्या और रघुमन रीड रोल में नज़र आए थे। साल 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई। इसीलिए संजय लीला भंसाली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजय दत्त की मूवी खलनायक मूवी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, का सीक्वल लंबे समय से बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म के सीक्वल के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। संजय दत्त बहुत जल्द अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। साथ ही खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को रीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं।
संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। काफ़ी समय से बॉलीवुड में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। जब से फिल्म के सीक्वल की खबरें आई हैं तो फैंस इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही अपनी इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, संजू बाबा इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट करना चाहते हैं, इस बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त खलनायक में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। संजय दत्त की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म प्रस्थानम में संजय ने ही लीड रोल में प्ले किया था। इस शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। संजय दत्त की ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। प्रस्थानम के प्रमोशन के समय ही संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब खलनायक के सीक्वल पर भी काम करना शुरू करेंगे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म संजय सुभाष घई से फिल्म के राइट्स खरीदने की तैयारी में लगे हैं। बात करें तो संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की, जल्द ही संजय आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अर्जुन कपूर और कृति सेनन रीड रोल में नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल कब बनता है और कौन सा स्टार फिल्म में भी अभिनय करता है, और साथ ही दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना लाइफ कभी आप कभी डाउन, ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड थी और एक एक के 56 राइफल। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पार्टी बांध लीजिए। आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी की शुरुआत उन्हीं से, जिन्होंने संजय को जन्म दिया। उनकी मां नरगिस, वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है, लेकिन ये पर्दे की बात की थी जाए तो 29 जुलाई 1969 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब मां नरगिस संजू को लेकर तैयार कर चूमती तो वो शर्मसार कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता, लेकिन बाद के दिनों में उसने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरगिस पॉइंट पर ड्राइव, कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास बार बार घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया, हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उसे बच्चे को दूध की बोतल लाई, तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती तो वह रोने लगता, स्टूडियो में भी फिक्रमंद रहती कि वो ठीक तो होगा, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर या दोस्त आते जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपाकर पीता। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लाइसेंस भेज दिया गया।
संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था। वो स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता है। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्मेंस करने बांग्लादेश जाने वाले थे तो संजय भी जाने की जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहाँ वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस संजय ने कहा मैं बांगो बजाऊंगा, हार कर संजय को भी ले जाऊंगा। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी। गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बांगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नज़रअंदाज करके गाती रही। 1977 में संजय लाइसेंस स्कूल से 12 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय की का दाखिला मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय दत्त ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा संजय कहाँ है। अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जीरो पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर में भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारियां कर भी दी थी। साथ में 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि रॉकी ने के प्रीमियम से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी, किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मां की मौत के बाद वे बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि राखी की प्रीमियम के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही। किसी ने आकर दत्त साहब ये सीट खाली है, इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं ये मेरी पत्नी की सीट है। राखी रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय दत्त ने अपनी कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया, जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से 1 इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की हो सकती है। मैं 10 में से 1 था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि ड्रग एक्टिव को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, एक दिन सुबह मेरी आंख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला आप 2 दिन पहले बात सोचकर उठे हो, आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं। मैंने शीशा दे तो चेहरे पर सूजन भी बिखेरे बाल हुए थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा। मैंने डैड के पास गया और बोला मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुंबई के
बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। यही वक्त था जब टीना से उनके रिश्ते टूट गए। अमेरिका में ड्रग्स रिहैब में संजय एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले कर दिया, जो प्यारे बेटे संजू के नाम था। मैसेज था, किसी की बात से ज़्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। ये बातें हैं। मॉम की ये आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया। मॉम के मरने के बाद 2 साल बाद ये सुनकर मैं 4-5 घंटे रोया। जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। संजय दत्त ने भारत लौटते ही खुद को दोहराए पर पाया। 9 महीने बाद भारत लौटा तो मेरे घर पहुंचने के बाद जो पहला शख्स मुझसे मिलने आया था वो एक ड्रग पैडल। मेरे पास 2 रास्ते थे, पहला मैं ड्रग्स लेता, दूसरा मैं इनकार कर देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इलाज के लिए 9 महीने अमेरिका में रहे। संजय ने तय कर लिया कि वे फिल्मी इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस करेंगे। लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने जान की बाजी फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। फिल्म 1985 में रिलीज हुई। संजय दत्त अमेरिका जाना टल गया। संजय दत्त की ज़िंदगी में एक सुनहरा मोड़ 1986 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म नाम के साथ आया। फिल्म में गाना के बोल भी कुछ ऐसे थे जैसे कि अमेरिका जाने से रोकने वाले के लिए लिखे गए हों। तू कल चला जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कई मोहब्बतों के बाद संजय दत्त का दिल रचा शर्मा पर जा टिका। वो देवानंद की खोज थी। वे मिलने लगे और एक दूजे के करीब आ गए। 1987 में उन्होंने शादी की और अगले ही साल एक बेटी हुई त्रिशला। लेकिन अचानक ऋचा के सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए ऋचा और त्रिशला अमेरिका शिफ्ट हो गई। नाम की कामयाबी के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म साजन ने धूम मचा दी। इस बीच संजय दत्त और ऋचा के बीच दूरियां बढ़ गई। माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। की कहानी संजय दत्त के परिवार कई पुराने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट पर आधारित थी। लेकिन संजय दत्त से जुड़े सबसे अहम और स्याह पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। 1983 में संजय अतीश की शूटिंग के लिए मॉरीशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जाँच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनीफ कंडवाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई लौटे तो उन्होंने आतंकवाद निरोधक कानून टांडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं, संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और अनीस से हुई थी। संजय ने अबू सलेम, हनीफ और समीर से 3 AK-47 ली थी, लेकिन 2 AK-47-56 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त को ये यकीन नहीं हो रहा था कि संजय ऐसा कैसे कर सकते हैं। तहलका मैगनीज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेटे से पूछा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, शहर में जो हो रहा था मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुद्दे की सुनवाई के दौरान संजय दत्त अपने बयान से पलट गए। संजय के हथियार रखने की वजह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे भी थे। ऐसा दावा करने वालों में से हुसैन जैदी भी हैं। माई नेम इज अबू सलेम किताब में जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए। सुनील दत्त ने घायलों के धर्म की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। संजय भी बढ़ चढ़ कर आए। कुछ लोगों की बात की जाए तो
कुछ उग्रपंथी संगठनों ने संजय दत्त परिवार को गोलियां और धमकियां देनी शुरू की। कुछ जगह सुनील दत्त पर हमले भी हुए। संजय दत्त इन फोन कॉल्स के परेशान आ चुके थे। फिल्मी हीरो को लगा कि असल लाइफ में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन वो बेल पर बाहर आए। फिल्मी अफवाहों वाली पत्रिकाओं में जहां अभी माधुरी दीक्षित के रिश्ते बनने की खबर छपी थी, अब उनमें दोनों के रिश्ते टूटने छपने लगे। संजय दत्त के जेल जाने का जिस एक आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो थे सुभाष घई। खलनायक 1993 की बड़ी हिट फिल्म रही। यही वो साल था जब संजय दत्त की मुलाकात मॉडल रिया पिल्लई से हुई। एक साल बाद तक जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। इस बार सीधा अंडा सेल, वो जगह जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। आज से कुछ साल पहले संजय की अपनी बहन प्रिया दत्त से अनबन की खबरें थी, लेकिन जेल के दिनों में दत्त भाई बहनों के बीच का किस्सा फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है से दुनिया ने जाना। प्रिया दत्त ने इसी शो में बताया, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। ये कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने 1998 में कहा था संजय दत्त वो कूपन मेरे पास अब भी हैं। सिमी गरेवाल के शो रणदेव देवभूमि में संजय ने जेल के दिनों का एक किस्सा सुनाया था। संजय ने कहा कि जेल में डैड मिलने आए तो कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चला गया। एक दिन डैड जब आए और बोले कहा हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा डैड कब हो जाएगा। ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा मुझे माफ़ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यासिर उस्मान किताब में लिखते हैं कि जब सुनील दत्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए और ठाकरे ने खुलकर संजय का बचाव किया और कहा कि संजय दत्त परिवार कोई भी सदस्य देश विरोधी नहीं है। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। ये इन्हीं ठाकरे की शिवसेना थी जो एक वक्त में संजय दत्त की फिल्मों को जमकर विरोध कर रही थी। जेल जाने के 15 दिन बाद संजय दत्त को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए सफ़ेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 महीने बाद सितंबर 1996 में रचा शर्मा ने आखिरी सांस ली। रिया पिल्लई से उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। रिया ने 1998 में संजय से शादी कर ली। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव हिट रही और उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साल 2000 में ऐसे ऑडियो सामने आए जिनमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए सुनाई देते हैं। ये ऑडियो इंटरनेट पर आज भी मिल जाएगी। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि CBI इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही है। 2002 में इन्हें सबूत की तरह पेश किया गया है। मुंबई में 58 पाली हिल के जिस बंगले में नरगिस ने एक घर बसाया था, उस घर का हर सदस्य अब अलग अलग रहने लगा है। साल 2003 में संजय दत्त को एक ऐसी फिल्म मिली जिनसे उनकी छवि पर शानदार रोगन का काम किया। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 साल बाद 2005 में सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली। एक बाप और पति जिसने अपनी सांसों का बड़ा हिस्सा दर्द का रिश्ता निभाने से गुजरा। रिया ने संजय दत्त का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी कि दिलनवाज शेख जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में अल्लड़ मस्त जवानी आइटम सॉन्ग में किया गया और चर्चा में आई। संजय के मान्यता तो करीब आई, लेकिन बहने प्रिय नम्रता और जीजा दोस्त गौरव कुमार दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई, लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और सहरान को मान्यता ने जन्म दिया। दोनों बुआओं का
गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन 1993 के दाग अब भी संजय के दामन पर थे। 2006 में जिस मुन्ना भाई ने लोगों को गांधीगिरी सिखा दी थी, अभी उसके हिस्से के हथियारों को पकड़ने की सज़ा बाकी है। 2007 में टांडा कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं, लेकिन उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। संजय जेल गए लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सज़ा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और 1 फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय को जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला आया। फरवरी 2016 में संजय एक बार फिर माथे पर टीका लगाए बाहर आते हैं। जेल के अंधेरे से निकलने वाले संजय दत्त के लिए आखिरकार सुबह हो गई, खास तौर पर जब संजय दत्त की जिंदगी का संजू बनी फिल्म में रणबीर कपूर संजय का किरदार निभा रहे हैं। ये वही रणबीर हैं जिनके पिता को एक जमाने में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ पीटने चले गए थे। वजह की संजय दत्त की टीना से मोहब्बत ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं। एक दिन संजू और गुलशन ग्रोवर नीतू के अपार्टमेंट में गए। उन्हें शक था कि मेरे और टीना के बीच कुछ है। जैकी श्राफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जय किशन कटू भाई श्राफ है। इनके पिता का नाम कटू भाई व माता का नाम रीटा श्राफ है। वे मुंबई के बालेश्वर इलाके में 3 बत्ती की एक चाल में रहा करते थे। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कुछ विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में काम किया। इन्हें सबसे पहले देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इनको अपनी फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान की। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफल हुई और रातों रात एक बड़े सितारे बन गए। 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से विवाह कर लिया। आयशा जो बाद में एक फिल्म निर्मात्री भी बनी। ये दोनों जैकी श्राफ इंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं। इनकी सोनी टीवी में 10% शेयर थे जिन्हें उन्होंने सन 1912 में बेच दिया। इनके 2 बच्चे हैं, पुत्र का नाम टाइगर श्राफ तथा पुत्री का नाम कृष्णा है। अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो 1990 विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया था। 1994 नामांकित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किया गया था। 1994 में नामांकित फिल्मफेयर सह अभिनेता पुरस्कार खलनायक के लिए दिया गया था। सन 1995 में विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार 1942 लव स्टोरी के लिए दिया गया। गुजरा रिया ने संजय दत्त का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी कि दिलनवाज शेख जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में अल्लड़ मस्त जवानी आइटम सॉन्ग में किया गया और चर्चा में आई। संजय के मान्यता तो करीब आई लेकिन बहने प्रिय नम्रता और जीजा दोस्त गौरव कुमार दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई, लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और सहरान को मान्यता ने जन्म दिया। दोनों बुआओं का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन 1993 के दाग अब भी संजय के दामन पर थे। 2006 में जिस मुन्ना भाई ने लोगों को गांधीगिरी सिखा दी थी, अभी उसके हिस्से के हथियारों को पकड़ने की सज़ा बाकी है। 2007 में टांडा कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं, लेकिन उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। संजय जेल गए लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सज़ा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और 1 फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय को जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला आया। फरवरी 2016 में संजय एक बार फिर माथे पर टीका लगाए बाहर आते हैं। जेल के अंधेरे से निकलने वाले संजय दत्त के लिए आखिरकार सुबह हो गई, खास तौर पर उनका डायरेक्शन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने किया था। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी सुभाष घई ने ही किया था।
सुभाष घई उस दौरान के फैक्टर को अपने लिए लकी मानते थे। यही वजह थी कि उस दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों के नाम के से ही शुरू होते थे। आपको बता दें कि खलनायक से पहले सुभाष घई ने काली चरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस साल ब्लॉकबस्टर हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इसे गाने को हटा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने पर से बैन हटाना पड़ा। यह गाना आज भी लोगों को फेवरेट है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इतना ही नहीं, यह साल 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। बता दें, पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आँखें थी, जिसमें रीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नज़र आए थे। आँखें बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अब खलनायक के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो खलनायक मूवी डूबे 4 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन रुपीज 12.50 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 21.50 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ब्लॉकबस्टर होने के साथ इस फिल्म को उस साल 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट ब्लैक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को दिया गया था। साल 1993 में बॉम्बे में हुए बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। बता दें, फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और संजय दत्त की गिरफ्तारी के चलते इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मेकर्स को फिल्म का प्रचार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा और फिल्म इतनी हिट हो गई। आपको बता दें, संजय दत्त की गिरफ्तारी से पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की डबिंग में कुछ काम बाकी रह गया था। संजय दत्त ने जेल से वापस आने के बाद सबसे पहले डबिंग का काम पूरा किया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि खलनायक फिल्म के आखिरी सीन में संजय दत्त को जेल हो जाती है। खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर खान को बल्लू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज़्यादा पसंद आया, जबकि सुभाष घई पहले से ही मन बना चुके थे कि वो बल्लू के किरदार में संजय दत्त को लेंगे। इसी वजह से आमिर ने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म के शुरुआती दौर में बल्लू के किरदार के लिए अनिल कपूर के नाम भी चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में यह प्लान ड्राप कर दिया गया था। इनके बाद इस रोल के लिए नाना पाटेकर को तो फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन मनाया कि बल्लू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाना पाटेकर को निकालकर फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। नाना पाटेकर को फिल्म से निकालने की एक वजह और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम था। यह सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता। उस दौरान नाना पाटेकर का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों के बीच लिया जाता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम नाना पाटेकर से काफ़ी कम था, इसीलिए उन्हें फिल्म से नाना पाटेकर का नाम हटाना पड़ा था।
यह संजय दत्त और सुभाष घई की जोड़ी में बनी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ फिल्म विधाता भी बनाई थी, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार भी नज़र आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलनायक में जैकी सराफ ने इंस्पेक्टर राम का किरदार निभाया था। बता दें, सुभाष घई के साथ ये जैकी सराफ की चौथी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो, साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में भी काम किया था। ये सभी फिल्में सुभाष घई ने ही बनाई थी। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में माधुरी को दूसरी बार मौका दिया। इससे पहले माधुरी को सुभाष घई की फिल्म राम लखन में भी देखा जा चुका था। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के अपोजिट नज़र आई थी। खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। इसके बाद अमिताभ बच्चन वाला रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म खलनायक बना डाली। आपको बता दें, खलनायक फिल्म की काफ़ी स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई। सुभाष घई की ही फिल्म क्रोधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में इनके अलावा हेमा मालिनी, शशि कपूर और जीनत अमान भी नज़र आई थी। साल 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 नाम से भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में विनोद कुमार, सुकन्या और रघुमन रीड रोल में नज़र आए थे। साल 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई। इसीलिए संजय लीला भंसाली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजय दत्त की मूवी खलनायक मूवी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, का सीक्वल लंबे समय से बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म के सीक्वल के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। संजय दत्त बहुत जल्द अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। साथ ही खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को रीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, काफ़ी समय से बॉलीवुड में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। जब से फिल्म के सीक्वल की खबरें आई हैं तो फैंस इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही अपनी इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, संजू बाबा इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट करना चाहते हैं, इस बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त खलनायक में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। संजय दत्त की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म प्रस्थानम में संजय ने ही रीड रोल में प्ले किया था। इस शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। संजय दत्त की ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। प्रस्थानम के प्रमोशन के समय ही संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब खलनायक के सीक्वल पर भी काम करना शुरू करेंगे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म संजय सुभाष घई से फिल्म के राइट खरीदने की तैयारी में लगे हैं। करें तो संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की जल्द ही संजय आशुतोष गोवारिकर की
पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अर्जुन कपूर और कृति सेनन रीड रोल में नजर आएंगे। अब देखना होगा कि संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल कब बनता है और कौन सा स्टार फिल्म में भी अभिनय करता है और साथ ही दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना लाइफ कभी आप कभी डाउन, ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड थी और एक एक के 56 राइफल। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पार्टी बांध लीजिए। आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी की शुरुआत उन्हीं से जिन्होंने संजय को जन्म दिया। उनकी माँ नरगिस, वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है, लेकिन ये पर्दे की बात की थी जाए तो 29 जुलाई 1962 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब माँ नरगिस संजू को लेकर तैयार कर चूमती तो वो शर्मसार कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता, लेकिन बाद के दिनों में उसने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरगिस पॉइंट पर ड्राइव, कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया, हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उसे बच्चे को दूध की बोतल डाई, तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती तो वह रोने लगता, स्टूडियो में भी फिक्रमंद रहती कि वो ठीक तो होगा, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर या दोस्त आते जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपाकर पीता। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लाइसेंस भेज दिया गया। संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था, वो स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता है। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्मेंस करने बांग्लादेश जाने वाले थे तो संजय भी जाने की जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहाँ वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस संजय ने कहा मैं बांगो बजाऊंगा, हार कर संजय को भी ले जाऊंगा। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी, गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बांगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नज़रअंदाज करके गाती रही। 1977 में संजय लाइसेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय की का दाखिला मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय दत्त ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो
उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा, संजय कहाँ है? अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जीरो पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था, चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हील चेयर में भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारियां कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि रॉकी ने के प्रीमियम से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी, किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ की मौत के बाद वे बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि राखी की प्रीमियम के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही। किसी ने आकर, दत्त साहब ये सीट खाली है, इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी पत्नी की सीट है। राखी रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय दत्त ने अपनी कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया, जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से 1 इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की हो सकती है। मैं 10 में से 1 था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि ड्रग एक्टिव को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आँखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला, आप 2 दिन पहले बात सोचकर उठे हो, आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं। मैंने शीशा देख तो चेहरे पर सूजन भी बिखेरे बाल हुए थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैंने डैड के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। यही वक्त था जब टीना से उनके रिश्ते टूट गए। अमेरिका में ड्रग्स रिहैब में संजय एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले कर दिया, जो प्यारे बेटे संजू के नाम था। मैसेज था, किसी की बात से ज़्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। ये बातें हैं, माम की ये आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया। माम के मरने के बाद 2 साल बाद ये सुनकर मैं 4-5 घंटे रोया। जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। संजय दत्त ने भारत लौटते ही खुद को दोहराए पर पाया। 9 महीने बाद भारत लौटा तो मेरे घर पहुंचने के बाद जो पहला शख्स मुझसे मिलने आया था वो एक ड्रग पैडल। मेरे पास 2 रास्ते थे, पहला मैं ड्रग्स लेता, दूसरा मैं इनकार कर देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इलाज के लिए 9 महीने अमेरिका में रहे। संजय ने तय कर लिया कि वे फिल्मी इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस करेंगे। लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने जान की बाजी फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। फिल्म 1985 में रिलीज हुई। संजय दत्त अमेरिका जाना टल गया। संजय दत्त की ज़िंदगी में एक सुनहरा मोड़ 1986 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म नाम के साथ आया। फिल्म में गाना के बोल भी कुछ ऐसे थे जैसे कि अमेरिका जाने से रोकने वाले के लिए।
लिखे गए हों। तू कल चला जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कई मोहब्बतों के बाद संजय दत्त का दिल रचा शर्मा पर जा टिका। वो देवानंद की खोज थी, वे मिलने लगे और एक दूजे के करीब आ गए। 1987 में उन्होंने शादी की और अगले ही साल एक बेटी हुई त्रिशला। लेकिन अचानक ऋचा के सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए ऋचा और त्रिशला अमेरिका शिफ्ट हो गईं। नाम की कामयाबी के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म साजन ने धूम मचा दी। इस बीच संजय दत्त और ऋचा के बीच दूरियां बढ़ गई। माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। तब की कहानी। संजय दत्त के परिवार कई पुराने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट पर आधारित थी। लेकिन संजय दत्त से जुड़े सबसे अहम और स्याह पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। 1983 में संजय अतीश की शूटिंग के लिए मॉरीशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जांच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनी कंडवाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई लौटे तो उन्होंने आतंकवाद निरोधक कानून टांडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं, संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और अनीस से हुई थी। संजय ने अबू सलेम, हनीफ और समीर से 3 AK-47 ली थी, लेकिन 2 AK-47 56 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त को ये यकीन नहीं हो रहा था कि संजय ऐसा कैसे कर सकते हैं। तहलका मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेटे से पूछा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, शहर में जो हो रहा था मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुद्दे की सुनवाई के दौरान संजय दत्त अपने बयान से पलट गए। संजय के हथियार रखने की वजह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे भी थे। ऐसा दावा करने वालों में से हुसैन जैदी भी हैं। माई नेम इज अबू सलेम किताब में जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए। सुनील दत्त ने घायलों के धर्म की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। संजय भी बढ़ चढ़ कर आए। कुछ लोगों की बात की जाए तो कुछ उग्रपंथी संगठनों ने संजय दत्त परिवार को गोलियां और धमकियां देनी शुरू की। कुछ जगह सुनील दत्त पर हमले भी हुए। संजय दत्त इन फोन कॉल्स के परेशान आ चुके थे। फिल्मी हीरो को लगा कि असल लाइफ में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन वो बेल पर बाहर आए। फिल्मी अफवाहों वाली पत्रिकाओं में जहां अभी माधुरी दीक्षित के रिश्ते बनने की खबर छपी थी, अब उनमें दोनों के रिश्ते टूटने छपने लगे। संजय दत्त के जेल जाने का जिस एक आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो थे सुभाष घई। खलनायक 1993 की बड़ी हिट फिल्म रही। यही वो साल था जब संजय दत्त की मुलाकात मॉडल रिया पिल्लई से हुई। एक साल बाद तक जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। इस बार सीधा अंडा सेल, वो जगह जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। आज से कुछ साल पहले संजय की अपनी बहन प्रिया दत्त से अनबन की खबरें थीं, लेकिन जेल के दिनों में दत्त भाई बहनों के बीच का किस्सा फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है से दुनिया ने जाना। प्रिया दत्त ने इसी शो में बताया, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। ये कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने 1998 में कहा था, संजय दत्त वो कूपन मेरे पास अब भी हैं। सिमी गरेवाल के शो रणदेव देवभूमि में संजय ने जेल के दिनों का एक
किस्सा सुनाया था। संजय ने कहा कि जेल में डैड मिलने आए तो कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चला गया। एक दिन डैड जब आए और बोले कहा हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा, डैड कब हो जाएगा। ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा मुझे माफ़ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यासीर उस्मान किताब में लिखते हैं कि जब सुनील दत्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए और ठाकरे ने खुलकर संजय का बचाव किया और कहा कि संजय दत्त परिवार कोई भी सदस्य देश विरोधी नहीं है। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। ये इन्हीं ठाकरे की शिवसेना थी जो एक वक्त में संजय दत्त की फिल्मों को जमकर विरोध कर रही थी। जेल जाने के 15 दिन बाद संजय दत्त को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए सफ़ेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 महीने बाद सितंबर 1996 में रचा शर्मा ने आखिरी सांस ली। रिया पिल्लई से उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। रिया ने 1998 में संजय से शादी कर ली। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव हिट रही और उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साल 2000 में ऐसे ऑडियो सामने आए जिनमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए सुनाई देते हैं। ऑडियो इंटरनेट पर आज भी मिल जाएगी। यासीर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि CBI इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही है। 2002 में इन्हें सबूत की तरह पेश किया गया है। मुंबई में 58 पाली हिल के जिस बंगले में नरगिस ने एक घर बसाया था, उस घर का हर सदस्य अब अलग अलग रहने लगा है। साल 2003 में संजय दत्त को एक ऐसी फिल्म मिली जिनसे उनकी छवि पर शानदार रोगन का काम किया। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 साल बाद 2005 में सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली। एक बाप और पति जिसने अपनी सांसों का बड़ा हिस्सा दर्द का रिश्ता निभाने से संजू बनी फिल्म में रणबीर कपूर संजय का किरदार निभा रहे हैं। ये वही रणबीर हैं जिनके पिता को एक जमाने में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ पीटने चले गए थे। वजह की संजय दत्त की टीना से मोहब्बत ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं। एक दिन संजू और गुलशन ग्रोवर नीतू के अपार्टमेंट में गए। उन्हें शक था कि मेरे और टीना के बीच कुछ है। जैकी श्राफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जय किशन कटू भाई श्राफ है। इनके पिता का नाम कटू भाई व माता का नाम रीटा श्राफ है। वे मुंबई के बालेश्वर इलाके में 3 बत्ती की एक चाल में रहा करते थे। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कुछ विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में काम किया। इन्हें सबसे पहले देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इनको अपनी फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान की। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफल हुई और रातों रात एक बड़े सितारे बन गए। 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से विवाह कर लिया। आयशा जो बाद में एक फिल्म निर्मात्री भी बनी। ये दोनों जैकी श्राफ इंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं। इनकी सोनी टीवी में 10% शेयर थे जिन्हें उन्होंने सन 1912 में बेच दिया। इनके 2 बच्चे हैं, पुत्र का नाम टाइगर श्राफ तथा पुत्री का नाम कृष्णा है। अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो 1990 विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया था। 1994 नामांकित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्रदिष्ट किया गया था। 1994 में नामांकित फिल्मफेयर सह अभिनेता पुरस्कार खलनायक के लिए दिया गया था। सन 1995 में विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार 1942 लव स्टोरी के लिए दिया गया था। गुजरा रिया ने संजय दत्त का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी कि दिलनवाज शेख जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में अल्लड़ मस्त जवानी आइटम सॉन्ग में किया गया और चर्चा में आई। संजय के मान्यता तो करीब
आई, लेकिन बहनें प्रिय नम्रता और जीजा दोस्त गौरव कुमार दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई, लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और सहरान को मान्यता ने जन्म दिया। दोनों बुआओं का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन 1993 के दाग अब भी संजय के दामन पर थे। 2006 में जिस मुन्ना भाई ने लोगों को गांधीगिरी सिखा दी थी, अभी उसके हिस्से के हथियारों को पकड़ने की सजा बाकी है। 2007 में टांडा कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं, लेकिन उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। संजय जेल गए, लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सज़ा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और 1 फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय को जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला आया। फरवरी 2016 में संजय एक बार फिर माथे पर टीका लगाए बाहर आते हैं। जेल के अंधेरे से निकलने वाले संजय दत्त के लिए आखिरकार सुबह हो गई, खास तौर पर ने किया था। साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी सुभाष घई ने ही किया था। सुभाष घई उस दौरान के फैक्टर को अपने लिए लकी मानते थे, यही वजह थी कि उस दौरान उनकी अधिकांश फिल्मों के नाम के से ही शुरू होते थे। आपको बता दें कि खलनायक से पहले सुभाष घई ने काली चरण, कर्ज, क्रोधी और कर्मा जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया था। इस फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस साल ब्लॉकबस्टर हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इसे गाने को हटा दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने पर से बैन हटाना पड़ा। यह गाना आज भी लोगों को फेवरेट है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इतना ही नहीं, यह साल 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। बता दें, पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आंखें थी, जिसमें रीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नज़र आए थे। आंखें बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अब खलनायक के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो खलनायक मूवी डूबे 4 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन रुपीज 12.50 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 21.50 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ब्लॉकबस्टर होने के साथ इस फिल्म को उस साल 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट ब्लैक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को दिया गया था। साल 1993 में बॉम्बे में हुए बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। बता दें, फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और संजय दत्त की गिरफ्तारी के चलते इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मेकर्स को फिल्म का प्रचार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा और फिल्म इतनी हिट हो गई। आपको बता दें, संजय दत्त की गिरफ्तारी से पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की डबिंग में कुछ काम बाकी रह गया था। संजय दत्त ने जेल से वापस आने के बाद सबसे पहले डबिंग का काम पूरा किया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि खलनायक फिल्म के आखिरी सीन में संजय दत्त को जेल हो जाती है। खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर
राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर खान को बल्लू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज़्यादा पसंद आया, जबकि सुभाष घई पहले से ही मन बना चुके थे कि वो बल्लू के किरदार में संजय दत्त को लेंगे। इसी वजह से आमिर ने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म के शुरुआती दौर में बल्लू के किरदार के लिए अनिल कपूर के नाम भी चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में यह प्लान ड्राप कर दिया गया था। इनके बाद इस रोल के लिए नाना पाटेकर को तो फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन मनाया कि बल्लू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाना पाटेकर को निकालकर फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। नाना पाटेकर को फिल्म से निकालने की वजह एक वजह और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम था। यह सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता। उस दौरान नाना पाटेकर का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों के बीच लिया जाता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम नाना पाटेकर से काफ़ी कम था, इसीलिए उन्हें फिल्म से नाना पाटेकर का नाम हटाना पड़ा था। यह संजय दत्त और सुभाष घई की जोड़ी में बनी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ फिल्म विधाता भी बनाई थी, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार भी नज़र आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलनायक में जैकी सराफ ने इंस्पेक्टर राम का किरदार निभाया था। बता दें, सुभाष घई के साथ ये जैकी सराफ की चौथी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो, साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में भी काम किया था। ये सभी फिल्में सुभाष घई ने ही बनाई थी। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में माधुरी को दूसरी बार मौका दिया। इससे पहले माधुरी को सुभाष घई की फिल्म राम लखन में भी देखा जा चुका था। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के अपोजिट नज़र आई थी। खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। इसके बाद अमिताभ बच्चन वाला रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म खलनायक बना डाली। आपको बता दें, खलनायक फिल्म की काफ़ी स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई। सुभाष घई की ही फिल्म क्रोधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में इनके अलावा हेमा मालिनी, शशि कपूर और जीनत अमान भी नज़र आई थी। साल 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 नाम से भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में विनोद कुमार, सुकन्या और रघुमन रीड रोल में नज़र आए थे। साल 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई। इसीलिए संजय लीला भंसाली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजय दत्त की मूवी खलनायक मूवी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, का सीक्वल लंबे समय से बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म के सीक्वल के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। संजय दत्त बहुत जल्द अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। साथ ही खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को रीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, काफ़ी समय से बॉलीवुड में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। जब से फिल्म के सीक्वल की खबरें आई हैं तो फैंस इस फिल्म के सीक्वल का
बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही अपनी इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, संजू बाबा इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट करना चाहते हैं इस बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त खलनायक में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने की तैयारी में हैं। संजय दत्त ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। संजय दत्त की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म प्रस्थानम में संजय ने ही लीड रोल में प्ले किया था। इस शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। संजय दत्त की ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। प्रस्थानम के प्रमोशन के समय ही संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब खलनायक के सीक्वल पर भी काम करना शुरू करेंगे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म संजय सुभाष घई से फिल्म के राइट खरीदने की तैयारी में लगे हैं। बात करें तो संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की, जल्द ही संजय आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अर्जुन कपूर और कृति सेनन रीड रोल में नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल कब बनता है और कौन सा स्टार फिल्म में भी अभिनय करता है, और साथ ही दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अपना लाइफ कभी आप कभी डाउन, ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड थी और एक एक के 56 राइफल। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पार्टी बांध लीजिए। आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी की शुरुआत उन्हीं से जिन्होंने संजय को जन्म दिया। उनकी माँ नरगिस, वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है, लेकिन ये पर्दे की बात की थी जाए तो 29 जुलाई 1969 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब माँ नरगिस संजू को लेकर तैयार कर चूमती तो वो शर्मसार कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता, लेकिन बाद के दिनों में उसने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरगिस पॉइंट पर ड्राइव, कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास पर घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया, हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उसे बच्चे को दूध की बोतल दिलाई तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती तो वह रोने लगता, स्टूडियो में भी फिक्रमंद रहती कि वो ठीक तो होगा, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर या दोस्त आते जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपाकर पीता। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लाइसेंस भेज दिया गया। संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था, वो स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता है। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्मेंस करने बांग्लादेश जाने वाले थे
तो संजय भी जाने की जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहाँ वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस संजय ने कहा मैं बांगो बजाऊंगा, हार कर संजय को भी ले जाऊंगा। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी। गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बांगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नज़रअंदाज करके गाती रही। 1977 में संजय लाइसेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय की का दाखिला मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय दत्त ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी उसी दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा संजय कहाँ है। अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जीरो पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हीलचेयर में भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारियां कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि रॉकी ने के प्रीमियम से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी, किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ की मौत के बाद वे बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि राखी की प्रीमियम के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही। किसी ने आकर दत्त साहब ये सीट खाली है, इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं ये मेरी पत्नी की सीट है। राखी रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय दत्त ने अपनी कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की हो सकती है। मैं 10 में से 1 था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि ड्रग एक्टिव को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आँखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला आप 2 दिन पहले बात सोचकर उठे हो। रिहैब में संजय एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्डेड मैसेज प्ले कर दिया जो प्यारे बेटे संजू के नाम था। मैसेज था किसी की बात से ज़्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। ये बातें हैं माम की। ये आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया। माम के मरने के बाद 2 साल बाद ये सुनकर मैं 4-5 घंटे रोया। जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। संजय दत्त ने भारत लौटते ही खुद को दोहराए पर पाया। 9 महीने बाद भारत लौटा तो मेरे घर पहुंचने के बाद जो
पहला शख्स मुझसे मिलने आया था वो एक ड्रग पैडल। मेरे पास दो रास्ते थे, पहला मैं ड्रग्स लेता, दूसरा मैं इनकार कर देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इलाज के लिए 9 महीने अमेरिका में रहे। संजय ने तय कर लिया कि वे फिल्मी इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस करेंगे। लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने जान की बाजी फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। फिल्म 1985 में रिलीज हुई। संजय दत्त अमेरिका जाना टल गया। संजय दत्त की जिंदगी में एक सुनहरा मोड़ 1986 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म नाम के साथ आया। फिल्म में गाना के बोल भी कुछ ऐसे थे जैसे कि अमेरिका जाने से रोकने वाले के लिए लिखे गए हों। तू कल चला जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कई मोहब्बतों के बाद संजय दत्त का दिल रचा शर्मा पर जा टिका। वो देवानंद की खोज थी। वे मिलने लगे और एक दूजे के करीब आ गए। 1987 में उन्होंने शादी की और अगले ही साल एक बेटी हुई त्रिशला। लेकिन अचानक ऋचा के सिर में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए ऋचा और त्रिशला अमेरिका शिफ्ट हो गईं। नाम की कामयाबी के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं। लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ 1991 में आई फिल्म साजन ने धूम मचा दी। इस बीच संजय दत्त और ऋचा के बीच दूरियां बढ़ गई। माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। तब की कहानी संजय दत्त के परिवार कई पुराने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट पर आधारित थी। लेकिन संजय दत्त से जुड़े सबसे अहम और स्याह पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। 1983 में संजय अतीश की शूटिंग के लिए मॉरीशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जाँच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनीफ कंडवाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई लौटे तो उन्होंने आतंकवाद निरोधक कानून टांडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं, संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और अनीस से हुई थी। संजय ने अबू सलेम, हनीफ और समीर से 3 AK-47 ली थी, लेकिन 2 AK-47-56 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त को ये यकीन नहीं हो रहा था कि संजय ऐसा कैसे कर सकते हैं। तहलका मैगनीज में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेटे से पूछा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, शहर में जो हो रहा था मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को भी स्वीकार किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुद्दे की सुनवाई के दौरान संजय दत्त अपने बयान से पलट गए। संजय के हथियार रखने की वजह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे भी थे। ऐसा दावा करने वालों में से हुसैन जैदी भी हैं। माई नेम इज अबू सलेम किताब में जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए। सुनील दत्त ने घायलों के धर्म की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। संजय भी बढ़ चढ़ कर आए। कुछ लोगों की बात की जाए तो कुछ उग्रपंथी संगठनों ने संजय दत्त परिवार को गोलियां और धमकियां देनी शुरू की। कुछ जगह सुनील दत्त पर हमले भी हुए। संजय दत्त इन फोन कॉल्स के परेशान आ चुके थे। फिल्मी हीरो को लगा कि असल लाइफ में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन वो बेल पर बाहर आए। फिल्मी अफवाहों वाली पत्रिकाओं में जहां अभी माधुरी दीक्षित के रिश्ते बनने की खबर छपी थी, अब उनमें दोनों के रिश्ते टूटने छपने लगे। संजय दत्त के जेल जाने का जिस एक आदमी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो थे सुभाष घई। खलनायक 1993 की बड़ी हिट फिल्म रही। यही वो साल था जब संजय दत्त की मुलाकात मॉडल रिया पिल्लई से हुई। एक साल बाद तक जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। इस बार सीधा अंडा सेल, वो जगह जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। आज से कुछ साल पहले संजय की अपनी बहन प्रिया दत्त से अनबन की खबरें थी, लेकिन जेल के दिनों में दत्त
भाई बहनों के बीच का किस्सा फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम है से दुनिया ने जाना। प्रिया दत्त ने इसी शो में बताया, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। ये कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने 1998 में कहा था संजय दत्त वो कूपन मेरे पास अब भी हैं। सिमी ग्रेवाल के शो रणदेव देवभूमि में संजय ने जेल के दिनों का एक किस्सा सुनाया था। संजय ने कहा कि जेल में डैड मिलने आए तो कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चला गया। एक दिन डैड जब आए और बोले कहा हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा डैड कब हो जाएगा। ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा मुझे माफ़ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यासीर उस्मान किताब में लिखते हैं कि जब सुनील दत्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहेब ठाकरे के पास गए और ठाकरे ने खुलकर संजय का बचाव किया और कहा कि संजय दत्त परिवार कोई भी सदस्य देश विरोधी नहीं है। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। ये इन्हीं ठाकरे की शिवसेना थी जो एक वक्त में संजय दत्त की फिल्मों को जमकर विरोध कर रही थी। जेल जाने के 15 दिन बाद संजय दत्त को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए सफ़ेद कुर्ता पहने संजय दत्त जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 महीने बाद सितंबर 1996 में रचा शर्मा ने आखिरी सांस ली। रिया पिल्लई से उनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। रिया ने 1998 में संजय से शादी कर ली। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव हिट रही और उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। साल 2000 में ऐसे ऑडियो सामने आए जिनमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए सुनाई देते हैं। ऑडियो इंटरनेट पर आज भी मिल जाएगी। यासीर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं कि CBI इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही है। 2002 में इन्हें सबूत की तरह पेश किया गया है। मुंबई में 58 पाली हिल के जिस बंगले में नरगिस ने एक घर बसाया था, उस घर का हर सदस्य अब अलग अलग रहने लगा है। साल 2003 में संजय दत्त को एक ऐसी फिल्म मिली जिनसे उनकी छवि पर शानदार रोगन का काम किया। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल किया। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 साल बाद 2005 में सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली। एक बाप और पति जिसने अपनी सांसों का बड़ा हिस्सा दर्द का रिश्ता निभाने से। रिया ने संजय दत्त का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी कि दिलनवाज शेख जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में अल्लड़ मस्त जवानी आइटम सॉन्ग में किया गया और चर्चा में आई। संजय के मान्यता तो करीब आई लेकिन बहने प्रिय नम्रता और जीजा दोस्त गौरव कुमार दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई, लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और सहरान को मान्यता ने जन्म दिया। दोनों बुआओं का गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन 1993 के दाग अब भी संजय के दामन पर थे। 2006 में जिस मुन्ना भाई ने लोगों को गांधीगिरी सिखा दी थी, अभी उसके हिस्से के हथियारों को पकड़ने की सज़ा बाकी है। 2007 में टांडा कोर्ट का फैसला आया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं, लेकिन उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। संजय जेल गए लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सज़ा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और 1 फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय को जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला आया। फरवरी 2016 में संजय एक बार फिर माथे पर टीका लगाए बाहर आते हैं। जेल के अंधेरे से निकलने वाले संजय दत्त के लिए आखिरकार सुबह हो गई, खास तौर पर जब संजय दत्त की जिंदगी का संजू बनी फिल्म में रणबीर कपूर संजय का किरदार निभा रहे हैं। ये वही रणबीर हैं जिनके पिता को एक जमाने में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ पीटने चले गए थे। वजह की संजय दत्त की टीना से मोहब्बत ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर
लिखते हैं। एक दिन संजू और गुलशन ग्रोवर नीतू के अपार्टमेंट में गए। उन्हें शक था कि मेरे और टीना के बीच कुछ है। जैकी श्राफ का जन्म 1 फरवरी 1957 में एक गुजराती बनिया परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जय किशन कटू भाई श्राफ है। इनके पिता का नाम कटू भाई व माता का नाम रीटा श्राफ है। वे मुंबई के बालेश्वर इलाके में 3 बत्ती की एक चाल में रहा करते थे। फिल्मों में आने से पहले इन्होंने कुछ विज्ञापनों में एक मॉडल के रूप में काम किया। इन्हें सबसे पहले देवानंद साहब की फिल्म स्वामी दादा में एक छोटी सी भूमिका मिली थी। 1983 में निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने इनको अपनी फिल्म हीरो में प्रमुख भूमिका प्रदान की। खुशकिस्मती से उनकी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफल हुई और रातों रात एक बड़े सितारे बन गए। 80 के दशक में इन्होंने अपनी प्रेमिका आयशा दत्त से विवाह कर लिया। आयशा जो बाद में एक फिल्म निर्मात्री भी बनी। ये दोनों जैकी श्राफ इंटरटेनमेंट लिमिटेड नामक मीडिया कंपनी भी चलाते हैं। इनकी सोनी टीवी में 10% शेयर थे, जिन्हें उन्होंने सन 1912 में बेच दिया। इनके 2 बच्चे हैं, पुत्र का नाम टाइगर श्राफ तथा पुत्री का नाम कृष्णा है। अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो 1990 विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया था। 1994 नामांकित फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किया गया था। 1994 में नामांकित फिल्मफेयर सह अभिनेता पुरस्कार खलनायक के लिए दिया गया था। सन 1995 में विजेता फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार 1942 लव स्टोरी के लिए दिया गया था। आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं, मैंने शीशा देख तो चेहरे पर सूजन भी बिखेरे बाल हुए थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैंने डैड के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। यही वक्त था जब टीना से उनके रिश्ते टूट गए। का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मिलकर कंपोज किया था। इस फिल्म में 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। खासकर फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है उस साल ब्लॉकबस्टर हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है का उस समय काफ़ी विरोध किया गया था। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था। साथ ही फिल्म की सभी म्यूजिक कैसेट और सीडी में इसे गाने को हटा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने पर से बैन हटाना पड़ा। यह गाना आज भी लोगों को फेवरेट है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इतना ही नहीं, यह साल 1993 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बनी। बता दें, पहले नंबर पर डेविड धवन की फिल्म आँखें थी, जिसमें रीड रोल में गोविंदा और चंकी पांडे नज़र आए थे। आँखें बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। अब खलनायक के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो खलनायक मूवी डूबे 4 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडियन रुपीज 12.50 करोड़ रुपए, खलनायक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया 21.50 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, कनाडा और अमेरिका में इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और हॉलीवुड की भी कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ब्लॉकबस्टर होने के साथ इस फिल्म को उस साल 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले थे। इनमें से फिल्म के गाने चोली के पीछे क्या के लिए अलका याग्निक और इला अरुण को बेस्ट ब्लैक प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। साथ ही इसी गाने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड सरोज खान को दिया गया था। साल 1993 में बॉम्बे में हुए बम ब्लास्ट के केस में संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली थी, लेकिन फिर भी यह फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। बता दें, फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और संजय दत्त की गिरफ्तारी के चलते इस फिल्म की
खूब चर्चा हुई थी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि मेकर्स को फिल्म का प्रचार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा और फिल्म इतनी हिट हो गई। आपको बता दें, संजय दत्त की गिरफ्तारी से पहले ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इस फिल्म की डबिंग में कुछ काम बाकी रह गया था। संजय दत्त ने जेल से वापस आने के बाद सबसे पहले डबिंग का काम पूरा किया था। दोस्तों, इत्तेफाक की बात यह है कि खलनायक फिल्म के आखिरी सीन में संजय दत्त को जेल हो जाती है। खलनायक में जैकी श्रॉफ से पहले इंस्पेक्टर राम के रोल के लिए आमिर खान से बात की गई थी, लेकिन आमिर खान को बल्लू यानी संजय दत्त वाला किरदार ज़्यादा पसंद आया, जबकि सुभाष घई पहले से ही मन बना चुके थे कि वो बल्लू के किरदार में संजय दत्त को लेंगे। इसी वजह से आमिर ने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। फिल्म के शुरुआती दौर में बल्लू के किरदार के लिए अनिल कपूर के नाम भी चर्चा की गई थी, लेकिन बाद में यह प्लान ड्राप कर दिया गया था। इनके बाद इस रोल के लिए नाना पाटेकर को तो फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में सुभाष घई ने मन मनाया कि बल्लू के किरदार में कोई नौजवान होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नाना पाटेकर को निकाल कर फिल्म में संजय दत्त को ले लिया। नाना पाटेकर को फिल्म से निकालने की वजह एक वजह और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि फिल्म का बजट काफ़ी कम था। यह सुभाष घई इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ बनाते तो फिल्म का बजट और भी बढ़ जाता। उस दौरान नाना पाटेकर का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टारों के बीच लिया जाता था, जबकि संजय दत्त का स्टारडम नाना पाटेकर से काफ़ी कम था, इसीलिए उन्हें फिल्म से नाना पाटेकर का नाम हटाना पड़ा था। यह संजय दत्त और सुभाष घई की जोड़ी में बनी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सुभाष घई ने संजय दत्त के साथ फिल्म विधाता भी बनाई थी, जो साल 1982 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार भी नज़र आए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खलनायक में जैकी श्रॉफ ने इंस्पेक्टर राम का किरदार निभाया था। बता दें, सुभाष घई के साथ ये जैकी श्रॉफ की चौथी फिल्म थी। इससे पहले इन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हीरो, साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म कर्मा और साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म राम लखन में भी काम किया था। ये सभी फिल्में सुभाष घई ने ही बनाई थी। सुभाष घई ने फिल्म खलनायक में माधुरी को दूसरी बार मौका दिया। इससे पहले माधुरी को सुभाष घई की फिल्म राम लखन में भी देखा जा चुका था। इस फिल्म में वो अनिल कपूर के अपोजिट खलनायक से कुछ समय पहले सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई थी। बाद में सुभाष घई ने फिल्म के टाइटल और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। इसके बाद अमिताभ बच्चन वाला रोल संजय दत्त को दे दिया गया और फिल्म खलनायक बना डाली। आपको बता दें, खलनायक फिल्म की काफ़ी स्टोरी साल 1981 में रिलीज हुई। सुभाष घई की ही फिल्म क्रोधी से मिलती जुलती थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने निगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में इनके अलावा हेमा मालिनी, शशि कपूर और जीनत अमान भी नज़र आई थी। साल 1994 में इस फिल्म का रीमेक तेलुगु भाषा में कैदी नंबर 1 नाम से भी बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। इस फिल्म में विनोद कुमार, सुकन्या और रघुमन रीड रोल में नज़र आए थे। साल 2015 में बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली खलनायक फिल्म का रीमेक बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के रीमेक राइट को लेकर सुभाष घई से बात नहीं बन पाई। इसीलिए संजय लीला भंसाली ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजय दत्त की मूवी खलनायक मूवी, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, का सीक्वल लंबे समय से बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिल्म के सीक्वल के लिए दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। संजय दत्त बहुत जल्द अपनी सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल बनाने जा रहे हैं।
सादी खबरों की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को लीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी, काफ़ी समय से बॉलीवुड में इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हो रही है। 90 के दशक में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। जब से फिल्म के सीक्वल की खबरें आई हैं तो फैंस इस फिल्म के सीक्वल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि फैंस का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही अपनी इस सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, संजू बाबा इस फिल्म में किस स्टार को कास्ट करना चाहते हैं, इस बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो संजय दत्त खलनायक में टाइगर श्रॉफ को कास्ट करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त ने हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। संजय दत्त की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म प्रस्थानम में संजय ने ही लीड रोल में प्ले किया था। इस शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज हुई है, जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। संजय दत्त की ये फिल्म पूरी तरह पॉलिटिकल ड्रामा पर बेस्ड है। प्रस्थानम के प्रमोशन के समय ही संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया था कि वो अब खलनायक के सीक्वल पर भी काम करना शुरू करेंगे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक को मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म संजय सुभाष घई से फिल्म के राइट्स खरीदने की तैयारी में लगे हैं। बात करें तो संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की, जल्द ही संजय आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म पानीपत में एक अहम किरदार में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय दत्त के साथ अर्जुन कपूर और कृति सेनन लीड रोल में नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल कब बनता है और कौन सा स्टार फिल्म में भी अभिनय करता है, और साथ ही दर्शक इस फिल्म को कितना प्यार देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अपना लाइफ, कभी डाउन, ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड थी और एक एक के 56 राइफल। देवी और सज्जनों, कुर्सी की पार्टी बांध लीजिए। आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी की शुरुआत उन्हीं से, जिन्होंने संजय को जन्म दिया। उनकी माँ नरगिस, वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती है, लेकिन ये पर्दे की बात की थी जाए तो 29 जुलाई 1962 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय फिल्म डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब माँ नरगिस संजू को लेकर तैयार कर चूमती तो वो शर्मसार कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता, लेकिन बाद के दिनों में उसने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरगिस पॉइंट पर ड्राइव, कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया, हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उसे बच्चे को दूध की बोतल दिलाई तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था, संजय के पैदा होने के बाद जब मैं शूटिंग के लिए जाती तो वह रोने लगता, स्टूडियो में भी फिक्रमंद रहती कि वो ठीक तो होगा, इसीलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर या दोस्त आते जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे। संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिपाकर पीता। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लाइसेंस
भेज दिया गया। संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था। वो स्कूल की बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता है। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्मेंस करने बांग्लादेश जाने वाले थे तो संजय भी जाने की जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहाँ वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस संजय ने कहा मैं बांगो बजाऊंगा कर संजय को भी ले जाऊंगा। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी। गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बांगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नज़रअंदाज करके गाती रही। 1977 में संजय लाइसेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय की का दाखिला मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज में करवाया गया। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाज़ा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय दत्त ने तय कर लिया कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। हर हाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, रॉकी की शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा संजय कहाँ है। अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज़ रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जीरो पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर या व्हील चेयर में भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारियां कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी कि रॉकी ने के प्रीमियम से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी, किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ की मौत के बाद वे बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया था कि राखी की प्रीमियम के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही, किसी ने आकर दत्त साहब ये सीट खाली है। इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी पत्नी की सीट है। राखी रिलीज हुई और लोगों को पसंद आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। संजय दत्त ने अपनी कई इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया, जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की हो सकती है। मैं 10 में से एक था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि ड्रग एक्टिव को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था, एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आँखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला आप 2 दिन पहले बात सोचकर उठे हो, आप सो रहे थे, सोकर उठे हैं। मैंने शीशा दे तो चेहरे पर सूजन भी बिखरे बाल हुए थे।